हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दरअसल वो एक युवक को धकेलते और फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम खट्टर एक कार्यक्रम में जनता पर फूल बरसा रहे थे, लेकिन इसी बीच पास खड़े एक युवक ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो नाराज हुए सीएम खट्टर ने उस युवक को धकेलते हुए आगे बढ़ गए। जी क्या कहेंगे जो है मुख्यमंत्री से, जो लोग कार्यकर्ता सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं काम में बाधा डालते हैं, तो क्या कहेंगे आज भी ऐसा किया गया? मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये विनम्र प्रार्थना और आग्रह और अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक सैद्धांतिक व्यक्तित्व है। अभी एक कार्यक्रम को लेकर के हमने भी उनसे निवेदन किया था, उनके जीवन के कुछ सिद्धांत हैं और वो लोक हित में तो सिद्धांतों से समझौता करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को उनको मान सम्मान रखते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य में बाधा ना डाल करके और उनके सहयोगी बने। अभी कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अनूठा उदाहरण पेश किया कि स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के उनका अभिनंदन और उनका स्वागत किया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक परंपरा है और ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के अपने अपने मिशन में अपने अपने काम। आज एक कार्यकर्ता ने जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की और मुख्यमंत्री ने उनको हटा दिया, तो ऐसे लोगों क्या कहेंगे? ऐसे कार्यकर्ता से मेरी अपील है कि वो संयम का और सिद्धांत का और नियमों का ध्यान, दिखावा ना करें इस तरह का। हाँ, दिखावे में कुछ नहीं रखा क्योंकि प्रधानमंत्री जी दिखावे से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। मुख्यमंत्री जी दिखावे से कोसों दूर हैं और हम सब लोग, हमारा जो संगठन अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन प्रिय है, अनुशासन को ही बढ़ावा देती है और अनुशासन को ही सर्वोपरि मानती है, तो अनुशासन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है।